क्लास का जनाब बाकायदा आगाज करते हैं, वेट नहीं करेंगे किसी का, शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने जनाब चैप्टर नंबर जो हम पढ़ रहे हैं 11, उसका जो सेकंड हमारा क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, मुकम्मल कर लिया था। स्पेसिफिक हीट के न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। जिन लोगों ने क्लासे नहीं ली थी, अतीफ रहमान साहब नजर आ रहे हैं, ताहा साहब का तो मसला, इंटरनेट ऐसा आता रहता है जाता रहता है, समझे, ये लाइट आती रहती जाती रहती है। तो वो जनाब जो है वो ताहा साहब की शक्ल देख के मेरे को याद आया कि उन्होंने नाम देख के मेरे को याद आया कि उन्होंने कहा था कि तस्वीर डाल दीजिएगा मैथ्स के सवाल की, मैंने डाली नहीं है, मेरे ख्याल में वीडियो मैंने डाल दी थी। मुझे कभी ऐसा मैं भूल जाया करूँ ना बेटा, मेरे को ना व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया करो, ठीक है, ताकि मैं फिर वो काम कर लूँ। बात इतने सारे काम होते हैं आपको अंदाजा नहीं, वो मिस कुछ तो कुछ मिस हो जाता है। बहरहाल तो ज़रा तवज्जो करते हैं, शुरू करते हैं जनाब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। और जनाब जैसे कि आप जानते हैं कि वी हैव बीन डिस्कसिंग सेकेंडरी क्लास, सेकेंडरी क्लास के अंदर है चैप्टर नंबर जनाब 11 पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम हीट है। और आज हम नए सवाल का आगाज करेंगे जिसका नाम होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड गैस लॉस। आज मेरे बेटा हम नए क्वेश्चन का आगाज करेंगे, वी विल स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। थोड़ा सा ब्रीफली पीछे जाके देख लेते हैं क्या हमारे पास सवाल थे। जब हमने चैप्टर आपको शुरू किया था चैप्टर नंबर 11, तो आपको बताया ये था कि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 5 डिफरेंट क्वेश्चन हैं। एक सवाल और दो सवाल पढ़ के आपको अंदाजा हो गया कि जब मैं एक सवाल कहता हूँ तो उस टॉपिक कहता हूँ तो उसके अपने बहुत सारे लवाजमात हैं। इतने सारे टॉपिक हैं, इतने बड़े बड़े तो पूरे चैप्टर हुआ करते थे। यहाँ जब एक टॉपिक की बात करता हूँ तो टॉपिक से नाम पूरा हमारे पास जनाब अली जो है वो पूरा चैप्टर हो जाता है। जी मेरे बच्चा ताहा महमूद साहब कह रहे, ताहा महमूद साहब कहना है, ताहा महमूद साहब कुछ कहना है तो कह दे, चलो मैंने चैट ऑन कर दिया, चैट बोल देना, मैं बोल रहा हूँ। तो पहला सवाल हमने किया था हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन का, जो सेकंड हमारे पास सवाल है उसका नाम था स्पेसिफिक हीट, जो सेकंड हमारे पास सवाल था उसका नाम था स्पेसिफिक हीट। तीसरा जो सवाल आज हम करना शुरू करेंगे इसका नाम होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड गैस लॉज, हमारे पास का टॉपिक होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से तवज्जा देके गौर से आप देख लें, हम कुछ चीजें इनमें से कर चुके हैं, कर चुके बेटा। इसमें से जरा देख ले बेटा कि इसमें से पहला सवाल हमारे पास था कौन सा, हीट एंड टेम्परेचर वाला, और स्पेसिफिक हीट का सवाल हमने कर लिया है। आज हम जनाब नए सवाल का आगाज करेंगे जिसका नाम होगा क्या, आज हम नए सवाल का आगाज करेंगे कौन सा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड गैस लॉज का जो सवाल है। ये सवाल आपको देखा भला जरा आसान सा लग रहा होगा, इसलिए कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का नाम आपने सुना हुआ है। जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो उस केमिस्ट्री के अंदर आपने इसका नाम सुना था, केमिस्ट्री के अंदर आपने इसका नाम सुना था। गैस लॉज भी आपने, कौन मेरे बेटा, जो गैस लॉज है ये गैस लॉज भी आपने पढ़े हुए हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़े हैं, कुछ आपने मैट्रिक क्लास के अंदर भी पढ़े होंगे। शुरू करते हैं जनाब, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड गैस लॉस का जो हमारा टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंदर क्या क्या बातें होंगी पहले ये देख ले। जिस तरह आपने देखा कि जब थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा तो उसके अंदर बहुत सारी कहानियां थी, फिर आपने जनाब जब स्पेसिफिक हीट पढ़ा तो उसके अंदर बहुत सारी कहानियां थी, वैसे ही मेरे बेटा जब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ेंगे तो इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर भी आपके पास बहुत सारी कहानियां आने वाली हैं। कितने कहानियां आने वाली जरा देखें, बहुत से तवज्जो देखें। एक तो पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉइंट्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे गैस लॉज, क्या पढ़ेंगे हम, गैस लॉज पढ़ेंगे। तीन गैस लॉज हम पढ़ेंगे बेसिकली, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जनरल गैस इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन। थोड़ा सा बैक पे जाए केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां आपने दो लॉ और पढ़े थे, तीन और पढ़े थे बल्कि, वहां था एवोगैड्रो लॉ भी था मेरे ख्याल से, एक शायद आपने ग्राम लॉ का नाम सुना होगा, एक आपने डाल्टन लॉ पढ़ा होगा। वो सारे लॉ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ तीन ही लॉ है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, जनरल गैस इक्वेशन है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रूफ करेंगे, शो दैट पी इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर बार।
show that p is equal to 1 upon 3 rho v square bar. ये हमारे पास एक proof है, proof करने पाएगा ये. आज अगर हम अपने कैलेंडर पे तारीख देखें तो 13 जुलाई मंडे 2020 पेपर आपके होंगे, कोई अप्रैल में या मई में पेपर आपके होंगे. पेपर कब होंगे? अप्रैल या मई में पेपर आपके होंगे. आज मेरे बेटा 13 तारीख को बता रहा हूँ, 13 तारीख को बता रहा हूँ कि ये सवाल एग्जाम के लॉन्ग में आएगा, ये सवाल एग्जाम के लॉन्ग में आएगा. ठीक है, ये सवाल हमारे पास जनाब एग्जाम के लॉन्ग में हमारे पास एक सवाल, ये सवाल हमारे पास एग्जाम में लॉन्ग में हमारे पास जनाब जो है वो आएगा. ये सवाल एग्जाम में लॉन्ग में हमारे पास जनाब पूछा जाएगा. उसके बाद जनाब ये अच्छा दूसरी बात, चैट खोलने, चैट पर्सनल है, मतलब चैट प्राइवेट है, आप चैट से मुझसे कर सकते हैं, आपस में चैट नहीं कर सकते, ख्याल रखिएगा आप लोग. P is equal to 1 upon 3 rho v bar square हमारे पास प्रूफ है जो जनाब आपके एग्जाम में आएगा. उसके बाद हमारे पास जनाब जो है वो हमारे पास एक और डेरिवेशन होगी. क्या? P is directly proportional to kinetic energy, average kinetic energy के directly proportional हमारे पास होगा. उसके बाद हमने क्या करना है, गैस लॉस को वेरीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक बोल्केर थ्योरी. काइनेटिक बोल्केर थ्योरी के बेसिस पर हमने गैस लॉस को वेरीफाई करना है. उसके बाद हमने न्यूमेरिकल भी जनाब करने होंगे. जब पता है आपको जहाँ फार्मूला होता है वहाँ न्यूमेरिकल आता है, जहाँ पर फार्मूला हमारे पास आता है वहाँ पर न्यूमेरिकल भी हमारे पास जनाब पूछे जाते हैं. अब क्लास का जनाब बाकायदा आगाज करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है कौन सा, पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमारे पास याद रहे ये गैसेस के लिए. इसके लिए मेरे बेटा जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हम पढ़ेंगे, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सॉलिड के लिए अलग होती है, लिक्विड के लिए अलग होती है, गैसेस के लिए अलग होती है. सॉलिड के लिए अलग होती है, लिक्विड के लिए अलग होती है, गैसेस के लिए हमारे पास जनाब अलहदा हमारे पास जो होती है. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हम गैसेस पढ़ रहे हैं. पहले समझ लें कि जो लफ्ज काइनेटिक हमारे पास होता है, कौन सा मेरे बेटा, जो लफ्ज काइनेटिक हमारे पास होता है इसके मतलब होता है मोशन. काइनेटिक के मतलब क्या होते हैं? काइनेटिक के मतलब हमारे पास जनाब क्या होते हैं? मोशन हमारे पास होते हैं लफ्ज काइनेटिक के मतलब. ये जो पोस्टुलेट है बेसिकली मॉलिक्यूलों की मोशन के हवाले से बताएगा. इसके बाद बताएगा अपना क्वेश्चन क्या, मॉलिक्यूलों की मोशन के हवाले से मेंशन करेगा. मॉलिक्यूल क्या होते हैं अभी आगे चल के बताएंगे हम. गैस छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है जिनको मॉलिक्यूल कहा जाता है. पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जनाब हम पढ़ने जा रहे हैं, तवज्जो देके सुनिए गौर से. कुछ इसके पॉइंट्स हैं, ये भी आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे, मगर आप देखेंगे कि जो पॉइंट्स आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़े थे यहाँ वाले पॉइंट उससे थोड़े से डिफरेंट है. यहाँ वाले पॉइंट उससे थोड़े से डिफरेंट पॉइंट आपको नजर आएंगे. मेन पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आर एज अंडर. पहला जो पॉइंट हमारे पास है उसका नाम है स्मॉल पार्टिकल्स. क्या नाम बेटा है? जो पहला पॉइंट हमारे पास है स्मॉल पार्टिकल, जनाब पॉइंट का हमारे पास नाम है. क्या कहता है सुने जरा गौर से. कहता यह है कि कोई भी गैस हो, कोई भी जो गैस हमारे पास होती है, एनी गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल. कोई भी गैस होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है. माइक्रोस्कोपिक के मतलब क्या है कि आम आंख से नॉर्मल आई से इनको देखा नहीं जा सकता है, माइक्रोस्कोप के जरिए इनको देख सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं, नॉर्मल आई से नजर नहीं आएंगे. अ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, अ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल. जो गैस हमारे पास होती है वो स्मॉल पार्टिकल पर हमारे पास जो गैस हमारे पास होती है वो स्मॉल पार्टिकल्स पर हमारे पास जो मुश्तमिल होती है. एक मुजफ्फर कमर साहब को लिंक नहीं आया है, एक मिनट सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा.
कोई भी जो गैस हमारे पास होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को जनाब क्या कहा जाता है? इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन पार्टिकल्स को? मॉलिक्यूल्स जनाब। इन पार्टिकल को जो है वो कहा जाता है। अब सुनिए गौर से, माइक्रोस्कोपिक के मतलब क्या होता है? नॉर्मल आई से नजर नहीं आएंगे। माइक्रोस्कोपिक के मतलब है कि नॉर्मल आई से नजर नहीं आएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस, गैस बहुत सारी होती है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नियॉन है, आर्गन है, कैप्टॉन है, जीरोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, इथेन गैस है, प्रोपेन गैस है, हजारों किस्म की गैसें हमारे पास मौजूद है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस, गैस की नेचर पर अगर हम डिपेंड करें तो जनाब गैस में एक एटम भी हो सकता है, एक से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं। एक फर्क समझ लीजिएगा मॉलिक्यूल में एटम में। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग पार्टिकल या स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल, जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। हाइड्रोजन जब भी होती है H2 की शक्ल में होती है। हाइड्रोजन जब भी हमारे पास होती है मेरे बेटा, H2 की शक्ल में हमारे पास होती है। हाइड्रोजन जब भी हमारे पास होती है वो किस शक्ल में होती है मेरे बेटा? हाइड्रोजन गैस जब भी हमारे पास होती है वो H2 की शक्ल में होती है। ऑक्सीजन गैस होगी O2 की शक्ल में होगी। तो किसी मॉलिक्यूल में एक एटम हो सकता है, किसी मॉलिक्यूल में दो एटम हो सकते हैं, किसी में ज्यादा एटम भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मुसलसल कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कंटिन्यूअस मुसलसल मोशन में हमारे पास जरा मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। यहाँ अगर आप डायग्राम को गौर से देखेंगे, जो रेड कलर से दिखाया है ये मॉलिक्यूल है, एरो से बना रहे हैं, बता रहे हैं कि मोशन है और इनकी मोशन बेतरतीब है। इनकी जो मोशन हमारे पास है, तवज्जो देके देखे, कोई मॉलिक्यूल नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, थ्री डायमेंशन में। इसके अंदर मेरे बेटा थ्री डायमेंशन में ये मॉलिक्यूल हमारे पास मूव करते हैं। थ्री डायमेंशन में एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में मूव करते हैं, मगर इनकी मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है। इनकी जो मोशन होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। मॉलिक्यूल आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर इन स्टेबल स्टेट एंड कंसीडर्ड आइडेंटिकल। सारे के सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल हमारे पास एक जैसे होते हैं। हाइड्रोजन की अगर आपके पास 1,000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सारे के सारे एक जैसे होंगे, सारे के सारे एक जैसे मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल छोटा है, कोई मोटा है, कोई टेढ़ा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई दुबला है, ऐसा नहीं होगा। सारे के सारे मॉलिक्यूल होंगे, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हमारे पास होंगे। सेकेंड हमारे पास जो पॉइंट है उसका नाम है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी सैंपल में मॉलिक्यूलों की तादाद कितनी होगी, किसी भी सैंपल में मॉलिक्यूलों की तादाद कितनी होगी, जरा इसको देख लेते हैं मेरे बेटा। एनी फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस, फाइनाइट के मतलब क्या होता है? फाइनाइट के मतलब होता है जिसकी वैल्यू आपको पता हो। गाड़ी में आपके सिलेंडर लगा है गैस का, उसका वॉल्यूम फाइनाइट है। उसका वॉल्यूम क्या है? फाइनाइट उसका वॉल्यूम है। हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी ऑक्सीजन गैस है, कितनी हाइड्रोजन गैस है, कितना हवा का वॉल्यूम है, ये नहीं मालूम कर सकते, ये इनफाइनाइट है। ये हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता। ये हमारे पास इनफाइनाइट है, ये हमको मालूम नहीं है, ये हमको मालूम, हमको पता नहीं है। अगर हमारे पास फाइनाइट वॉल्यूम है, छोटा सा कोई डब्बा है, मिसाल के तौर पर अपनी मुट्ठी बंद कर लें, अपनी मुट्ठी बंद कर लेंगे तो उसके अंदर गैस होगी। कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन गैस होगी, एयर होगी, नाइट्रोजन गैस होगी। अंदाजा है कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो सुन ले तवज्जा से, गौर से, लाखों, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों और खरबों मॉलिक्यूल होंगे इसके अंदर, अरबों और खरबों मॉलिक्यूल इसके अंदर होंगे। किसी भी फाइनाइट वॉल्यूम में मॉलिक्यूलों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। किसी भी फाइनाइट वॉल्यूम में मॉलिक्यूलों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। बड़ी तादाद में मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, बड़ी तादाद में मॉलिक्यूल पाए जाते हैं एसटीपी पर। एसटीपी कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो मॉलिक्यूलों की तादाद होती है 1 क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर के मतलब क्या होता है मेरे बेटा, समझ लो। क्यूबिक मीटर के मतलब होता है एक ऐसा बर्तन, एक ऐसा वेसल जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, ब्रेथ भी 1 मीटर हो, हाइट भी 1 मीटर हो।
यानी कि यहाँ से यहाँ बेटा अगर हम बात करें तो लेंथ भी 1 मीटर हो, ब्रेथ, यहाँ देखो बेटा अगर इसकी जो लेंथ है वो, हाइट भी 1 मीटर हो, ब्रेथ भी 1 मीटर हो, हाइट भी 1 मीटर हो, हर तरफ से बेटा अगर 1 मीटर का हो, तो ऐसे वेसल को कहा जाता है क्यूबिक मीटर। ये कहते हैं इसको क्यूबिक मीटर कहा जाता है। एक क्यूबिक मीटर में जो मॉलिक्यूलों की तादाद होती है मेरे बेटा मेरे बच्चा, वो होती है 3 × 10^25। कितनी होती है? 3 × 10^25 आती है। गिनती आती हो तो गिन लेना, 3 × 1 0 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इतने जीरो होंगे। अब इतने जीरो की गिनती कराती है तो गिन लेना भाई, ये हमारे सियासतदानों के पास वो तो गिनने तो वो भी नहीं गिन सकते यार। 3 × 10^25 जितनी गिनती आपको आती है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब पदम जो भी होता है, वो सब आपके पास 12 13 14 15 पावर पे जाके मामला खत्म हो जाता है। ये बात कर रहे हैं 25 पावर की। बहुत बड़ी तादाद हमारे पास जनाब होती है मॉलिक्यूलों की किसी 1 मीटर क्यूब में, फाइनाइट वॉल्यूम में मॉलिक्यूलों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कितनी होती है। अब आपको ये लग ही रहा है कि मॉलिक्यूलों की तादाद तो बहुत ज्यादा है, तो मॉलिक्यूलों की तादाद जब बहुत ज्यादा है तो मॉलिक्यूलों के दरमियान थोड़े से डिस्टेंस होंगे। जब मॉलिक्यूलों की तादाद बहुत ज्यादा है तो मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब होंगे, क्लोज होंगे। गैस की बात कर रहे हैं ख्याल रखना, सॉलिड की बात नहीं कर रहे, गैस की बात कर रहे हैं ख्याल रखना, मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे, डिस्टेंस कम होगा। ऐसा नहीं, गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे के लिहाज से बहुत ज्यादा फासले पर पाए जाते हैं। ऑल्दो के इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, मगर मॉलिक्यूल का अपना साइज बहुत कम होता है। मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एज कंपेयर टू दियर ओन डायमेंशन। उनके अपने साइज के लिहाज से, उनकी अपनी जिसामत के लिहाज से मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर जनाब जो है वो पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एज कंपेयर टू दियर ओन डायमेंशन। द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल इज अबाउट 10^-10 मीटर। 10^-10 मीटर से डायमीटर होता है मॉलिक्यूल का। अगर मॉलिक्यूल करीब करीब होते मेरे बेटा तो आप तो हवा से चलते चलते हवा से टकरा जाते। आप जब चलते हो कमरे में घर में आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहे हैं तो हवा तो मौजूद है ना, आप कभी हवा से टकरा के रुक तो नहीं जाते, आप कभी हवा से टकरा के रुक तो नहीं जाते, आप तो चल रहे हो। जब आप जाते हो तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उनके बीच में गैप होता है, मॉलिक्यूल साइड में हो जाते हैं, आप दरमियान से निकल जाते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूलों के दरमियान फासला होता है, यही वजह होता है कि गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूलों के दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है, फॉर दिस रीजन गैसेस आर इजीली कंप्रेसेबल। गैसेस को बआसानी कंप्रेस किया जा सकता है, गैसेस को बआसानी कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड के करीब करीब होते हैं, मगर गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है। यही वजह है कि गैसेज आर इजिली कंप्रेसिबल, गैसेज हमारे पास बआसानी कंप्रेसिबल होती है। नाउ वी कम टू द फोर्थ पॉइंट, द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। जैसा कि पीछे आपको बताया कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, इनकी मोशन बेतरतीब होती है, रैंडम मोशन होती है। कभी बाजार में चले जाओ ना, सदर चले जाओ, टाइम रोड चले जाओ, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, कोई उधर जा रहा है उधर जा रहा है, हर एक अपने अपने डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, बेतरतीब मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? बेतरतीब इनकी मोशन जनाब अली होती है। मोशन होती स्ट्रेट लाइन में, मोशन होती स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन हमारी होती है, मगर तमाम की मोशन डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। तमाम की मोशन क्या होती है? डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जनाब इनकी मोशन जो है वो पाई जाती है। यहाँ अगर आप डायग्राम से देखेंगे तो हर एक की डायरेक्शन अलग अलग है, हर एक अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल हमारे पास है मेरे बेटा वो मूव कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल हमारे मूव कर रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। इनकी मोशन रेंडम होती है विद वेरियस स्पीड। किसी की स्पीड कम होती है, किसी की स्पीड ज्यादा होती है, समझ लीजिए बात ध्यान से गौर से। किसी की स्पीड कम होती है, किसी की स्पीड ज्यादा होती है। इसकी सबसे सादा सहल आसान सी मिसाल आपको मैं देता हूँ। कभी स्नूकर खेला हो, कभी स्नूकर खेलते हुए किसी को देखा हो, डब्बू तो खेला ही होगा या कैरम बोर्ड खेला होगा। जब हम स्ट्राइकर को हिट करते हैं तो गोटियां मूव करती है,
स्ट्राइकर जब जाके दरमियान में टकराता है तो कोई मॉलिक्यूल तेजी से मूव करता है, कोई गोटी तेजी से मूव कर रही होती है, कोई पीस हल्के हल्के मूव कर रही होती है, हर एक की मॉलिक्यूल, हर एक की रफ्तार डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है कि स्ट्राइकर उससे टकराया कैसे है। जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे को अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर करते हैं, शिफ्ट करते हैं, किसी की वेलोसिटी कम होती है, किसी की वेलोसिटी ज्यादा होती है। यही वजह है कि जब हम गैस के बारे में बात करते हैं तो हमेशा एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। जब भी वेलोसिटी की बात करेंगे तो वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द एवरेज वेलोसिटी, हमेशा एवरेज स्पीड की बात की जाती है। गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। गैस के मॉलिक्यूल जब मूव करेंगे तो एक दूसरे से भी कोलाइड करेंगे, वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड करेंगे। इनकी जो कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। इलास्टिक होने के क्या मतलब होता है कि इनकी मोमेंटम और इनका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। इनका मोमेंटम और इनकी काइनेटिक एनर्जी जनाब क्या होती है, कंजर्व। इनका मोमेंटम और इनकी काइनेटिक एनर्जी जनाब कंजर्व होती है। गैस मॉलिक्यूल व्हेन कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर दे ट्रांसफर देयर मोमेंटम। जब गैस के मॉलिक्यूल जाके बर्तन की दीवार से टकराएंगे तो अपना मोमेंटम शिफ्ट करेंगे। आप चलते चलते जाए, दरवाजे से किसी टकरा जाए तो अपना मोमेंटम उसको शिफ्ट कर देते हैं। फिल्मों में देखा है ना भाई, दरवाजा तोड़ना होता है, हीरो साहब भागते भागते जाके दरवाजे पर टक्कर मारते हैं, दरवाजा टूट जाता है। घर पे कभी कोशिश ना करना, वो गत्ते के और कागज के दरवाजे होते हैं, टूट जाते हैं। आप टकराओगे तो हाथ पाँव टूटेगा, दरवाजा नहीं टूटेगा। जब टकराते हैं तो टकराने के नतीजे में क्या होता है, मोमेंटम होता है। जब वो टकराएंगे मॉलिक्यूल तो अपने मोमेंटम शिफ्ट करेंगे। ये मोमेंटम प्रेशर की सूरत में, जो प्रेशर होता है वो इस कोलिजन की वजह से, इस टकराने की वजह से कोलिजन हमारे पास होता है, टकराने की वजह से कोलिजन हमारे पास होता है। नेक्स्ट वी कम टू द फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगर हम मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस के हवाले से बात करें तो मॉलिक्यूलों के दरमियान किसी किस्म की अट्रैक्शन या रिपल्शन की कोई फोर्स नहीं होती। मॉलिक्यूलों के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की कोई फोर्स नहीं होती। हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली आजादाना बिहेव करता है। ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के लिए अट्रैक्शन रखे और जाकर उस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर ले। स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, कॉलेज के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप दोस्ती होती है दो चार से, जिनसे दोस्ती होती है आप उनके साथ रहते हो, जिनसे दोस्ती नहीं होती वो करीब से गुजर रहे, आ रहे जा रहे, आपका कोई लेना देना थोड़ी उनसे कोई। इसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को देखकर उनके करीब जाने या उनके दूर जाने की कोशिश नहीं करते। हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली आजादाना बिहेव करता है, इंडिपेंडेंट बिहेव करता है। गैस मॉलिक्यूल एग्जर्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। टकराएंगे तो टकराने के दौरान जो ट्रांसफर करेंगे, उसके अलावा इनके दरमियान किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स नहीं होगी। एंड लास्टली एंड फाइनली, छह ही है, फर्स्ट टाइम में से ज्यादा होंगे, एक आध दो इसमें नए भी हैं, पुराने वाले नहीं, उस पर फ्री स्पेस वगैरह थी, ये यहाँ नहीं है। पर लॉज ऑफ मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स के हमारे कवानीन होते हैं, न्यूटन की कवानीन है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो मॉलिक्यूलों की मोशन पर अप्लाई कर सकते हैं। जो मैकेनिक्स के कवानीन है, मैकेनिक्स के लॉज हैं, उनको मॉलिक्यूलों की मोशन पे अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी मॉलिक्यूल का मोमेंटम मालूम करना हो तो मोमेंटम मालूम कर सकते हैं बाय द फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला mv के फार्मूले से, मास इनटू वेलोसिटी से मोमेंटम निकाल सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहे मॉलिक्यूल की तो हाफ एम वी स्क्वायर जो मैकेनिक्स का फार्मूला है उस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उस किसी मॉलिक्यूल पर अमल करने वाली फोर्स मालूम करनी है, फोर्स मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, एफ इज इक्वल टू एम ए लगाकर इस फोर्स को फाइंड आउट किया जा सकता है, फोर्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। मोमेंटम एम वी के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी के बराबर होती है, एफ इक्वल टू एम ए के बराबर। ये छह पॉइंट है, दीज आर द सिक्स पॉइंट वी हैव टू डिस्कस इन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। एग्जाम में या तो सवाल आ जाएगा राइट एनी फोर पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, याद होना चाहिए। या अक्सर एमसीक्यूज के अंदर क्या करते हैं, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, इनमें चार प्रॉपर्टी लिख देंगे आपको, तीन सही होंगी गलत होंगी,
तीन सही होंगी, ये गलत होंगी, बताना होगा कौन वाली प्रॉपर्टी गैस के लिए एप्लीकेबल, कौन वाला पॉस्टुलेट गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको मेंशन करना होगा, बताना होगा। तो प्रॉपर्टी आपकी, ये पॉस्टुलेट आपकी याददाश्त में होने चाहिए, ये पॉस्टुलेट हमारे पास होते हैं। ये हमारे पास जरा पॉस्टुलेट्स थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपकी इंफॉर्मेशन में, आपकी याददाश्त में होने चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द गैस लॉस। इसके बाद हम क्या करेंगे मेरे बेटा, डिस्कस करेंगे गैस लॉस को, व्हाट आर गैस लॉस। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि लॉस क्या होते हैं, व्हाट आर लॉस, कानून है। हर जगह दुनिया में कोई भी काम करते हैं कानून बने हुए, कानून को फॉलो करते हैं, कानून बना हुआ ना भाई, आपका रिजल्ट एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, पास होगा, अगली क्लास में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, पहली क्लास होगी, पहले से पास करेंगे, दूसरी में आएंगे, दूसरी पास करेंगे, तीसरी में आएंगे, सो ऑन सो ऑन। दिल चाहे जिस दिन दिल चाहे किसी जगह पांचवी के अंदर बैठ जाए, जिस दिन दिल चाहे मैट्रिक में बैठ जाए, किसी दिन दिल चाहे नवी के अंदर बैठ जाए, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। कुछ कवानीन होते हैं जिससे हमने जिंदगी गुजारनी है। रोड पे जा रहे हैं, रेड लाइट होगी रुक जाएंगे, ग्रीन होगी तो निकल जाएंगे, ठीक है जनाब। इसी तरीके से हमारे पास गैस लॉस होते हैं। गैस लॉस से मुराद क्या है, पहले ये समझ लिया। जब हम किसी गैस को डिस्क्राइब करते हैं तो गैस को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। किसी गैस को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे हम गैस को डिस्क्राइब करते हैं, और इन प्रॉपर्टीज के दरमियान जो रिलेशन होते हैं, इन रिलेशन को कहा जाता है गैस लॉस। जब किसी गैस को डिस्क्राइब करने जाएंगे, जब किसी गैस को डिस्क्राइब करेंगे, तो उस गैस को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, और इन प्रॉपर्टीज के दरमियान रिलेशन, एक प्रॉपर्टी को चेंज करें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी। सिंपल सा कानून ना भाई, कि जेब में ज्यादा पैसे होंगे तो शॉपिंग ज्यादा करेंगे, कम पैसे होंगे तो शॉपिंग कम करेंगे। और एक बहुत ही मशहूर मारूफ कानून बना पेश किया है अजीम उशान किस्म के साइंसदान ने, कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, ऐसे ही है ना भाई। तो ये कानून बना दिया उन्होंने, ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, तो पता ही नहीं था किसी को, सब समझ रहे थे बारिश होती रहे पानी नहीं आएगा। बहरहाल जब हम किसी गैस की बात करते हैं मेरे बेटा, तो गैस को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है वॉल्यूम। जब गैस को किसी वेसल में कन्फाइन किया जाता है, जब गैस को किसी वेसल में रखते हैं, ये आपका कहलाता है सिलेंडर। क्या कहते हैं इसको? सिलेंडर कहते हैं, इसको वेसल करते हैं जिसमें गैस को रखा जाता है, और इस गैस के ऊपर हमारे पास एक लगा होता है पिस्टन। जब भी ऊपर नीचे मूव करेगा तो वर्क होगा, जब भी ऊपर नीचे मूव करेगा तो हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा, वर्क होगा। ये पिस्टन हमारे ऊपर लगा होता है जो ऊपर नीचे हमारा मूव कर सकता है, ऊपर नीचे मूव करेगा तो हमारे पास इसको कहते हैं वर्क होता है। जो ढकना लगा हुआ है, इस ढकने को कहा जाता है पिस्टन। क्या नाम होता है इसका बेटा? इस ढकने को जरा पिस्टन कहा जाता है। इसके दरमियान में, पिस्टन और सिलेंडर के दरमियान में जो गैस की जगह ऑक्यूपाई की है, इसका नाम होता है वॉल्यूम। जो दरमियान में जगह मौजूद है, इसका नाम क्या होता है मेरे बेटा? इसको मेरे बेटा वॉल्यूम कहा जाता है। इस पिस्टन के ऊपर हम कुछ वजन रखते हैं, लोड रखते हैं, कुछ दबाएंगे पिस्टन चले जाएगा नीचे, और दबाएंगे और चले जाएगा नीचे। जो दबा रहे हैं, जो इस पे लोड रख रहे हैं, जो इस पे वेट रख रहे हैं, जब इसको प्रेस करेंगे, इस लोड का नाम होता है प्रेशर। क्या नाम होता है लोड का? जो लोड इस पर रखा जाता है, इस लोड का जनाब जो नाम होता है, इस लोड को कहा जाता है प्रेशर। जनाब इसको कहा जाता है। साथ ही हमारे पास जनाब जो गैस होगी, ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। कितनी गैस ठंडी है, कितनी गैस गर्म है, इस चीज को कहा जाता है टेम्परेचर। गैस कितनी ठंडी है या गैस कितनी गर्म है, इस चीज का नाम क्या होता है मेरे बेटा? इसको टेम्परेचर कहा जाता है। कुछ गैस की क्वांटिटी भी होगी, 2 ग्राम है, 4 ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 1 किलो है। जब आप गाड़ी में जाते हैं, सिलेंडर भरवाते हैं सीएनजी का, सामने मीटर पे देखते हैं लिखा हुआ रहा होता है 1 किलो भर गई, 2 किलो भर गई, 3 किलो भर गई, 4 किलो भर गई, वो उसका मास होता है। क्या होता है बेटा उसका? वो मास होता है। साथ ही आप देखते हैं ऊपर प्रेशर चल रहा होता है, 220 प्रेशर है, 200 प्रेशर है। हाँ, अब तो घर से गैस का प्रेशर का मतलब नहीं है, एक जमाने में गैस का प्रेशर भी कम आता था। या कभी अगर आप अपनी गाड़ी, जिसके पास गाड़ी है सीएनजी लगी हुई है, खोल के देखेंगे, अंदर एक मीटर लगा होता है जिस पर नंबर लिखे हुए आ रहे होते हैं, वो आपको प्रेशर को शो करना होता है।
चार क्वांटिटी हमारे पास होती है जिसे यूजुअली गैस को डिस्क्राइब किया जाता है, समझ ले गौर से। पहली बात समझ ले, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कोई सब्सटेंस जितनी जगह अख्तियार करती है इसका नाम क्या होता है? वॉल्यूम होता है। क्या नाम होता है इसका? नाम वॉल्यूम इसको कहा जाता है। और उसके बाद देख ले मेरे बेटा कि द जो फोर्स लगाते हैं कौन, द फोर्स एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल जो बर्तन की दीवार पे फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स का नाम होता है प्रेशर। क्या नाम होता है इसका? कुछ ऊपर से लगेंगे जब गैस के मॉलिक्यूल होंगे मेरे बेटा, तो गैस के मॉलिक्यूल नीचे से भी फोर्स लगाएंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल, बताया था आपको मैंने कि गैस के मॉलिक्यूल बर्तन की दीवार से टकराते हैं। क्या करते हैं गैस के मॉलिक्यूल बर्तन की दीवार से? वेसल से टकराते हैं। जब वेसल से टकराते हैं तो क्या करते हैं बेटा इसके ऊपर, ये वेसल पे फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स को बेसिकली क्या कहा जाता है? इस फोर्स को कहा जाता है प्रेशर। ये फोर्स हमारे पास जो है वो प्रेशर कहलाता है। जो बर्तन की दीवार पर जो गैस के मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं उसको प्रेशर कहा जाता है। ये आपका प्रेशर है। अब आते हैं जनाब के ये चार प्रॉपर्टी हो गई, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर, मास है। रिलेशन के मतलब क्या है? रिलेशन के मतलब ये है मेरे बेटा, अगर प्रेशर चेंज कर दे तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज कर दे तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, या टेम्परेचर चेंज कर दे प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। इन रिलेशन को अगर पढ़ा जाए कि एक क्वांटिटी को चेंज करने से, एक क्वांटिटी को चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी पे जो फर्क पड़ता है इसे कहा जाता है गैस लॉस। क्या नाम होता है इसका? इसको बेटा गैस लॉस कहते हैं। दे आर फॉलोइंग गैस लॉस। कौन कौन से गैस लॉ है देख ले बेटा, एक का नाम है कौन, एक का नाम है बॉयल्स लॉ, एक का नाम है बॉयल्स लॉ, दूसरे का नाम है चार्ल्स लॉ, दूसरे का नाम क्या है मेरे बेटा, चार्ल्स लॉ है, और तीसरे का नाम है जनरल गैस इक्वेशन। फिर बता दूं कि आपने जब फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ी थी, जब आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ी थी तो वहां पर गैस लॉस तादाद में ज्यादा थे। जब आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ी थी तो वहां आपके पास गैस लॉस तादाद में ज्यादा थे। ग्राम लॉ भी था, डाल्टन लॉ भी था, एवोगैड्रो लॉ भी था। यहाँ तीन ही पढ़ते हैं हम लोग, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है और जनरल गैस इक्वेशन है। जस्ट तीन लॉ आपने जनाब अली यहाँ पर डिस्कस करने हैं, यहाँ आपने पढ़ने हैं। तीन लॉ है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है और जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास है। कुछ सवाल तो उसके ऊपर होगा नहीं, इसलिए पुरानी बातें हैं, कोई नई बात तो इसके अंदर ऐसी है नहीं कि जिस पर हमको मजीद रोशनी डालें। इतनी बातें खाल में काफ़ी हैं। कोई सवाल जहन में अगर होगा तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। कुछ सवाल अगर करना चाहें तो आप सवाल पूछ सकते हैं, अगर कोई सवाल नहीं करना चाहते तो आगे बढ़ जाते हैं। कोई सवाल तो नहीं है फुरकान साहब? कोई सवाल तो नहीं बेटा यहाँ तक? कोई सवाल नो सर, कोई सवाल नहीं। थैंक यू जी। हमजला आमिर साहब कोई सवाल तो नहीं भाई? असल बिन खाली साहब कोई सवाल है? कोई सवाल है? और मोहित कादरी साहब कोई सवाल नहीं है? अतीकुर रहमान साहब कोई सवाल तो नहीं बेटा? हकीकत बात यह है कि जब तक आप कॉपी के ऊपर नहीं लिखेंगे ना उस वक्त तक मामला जरा खराब रहेगा। बेहतर ये है कि आप एक प्रॉपर रजिस्टर बनाए, एक प्रॉपर रजिस्टर बनाए और उस रजिस्टर के ऊपर आप जनाब जितनी भी बातें आपके पास है मेंशन करें। मैं इन स्लाइडों की पिक्चर आपको डाल दूंगा, स्लाइडों की पिक्चर आपको जनाब डाल दी जाएगी क्लासरूम के अंदर। मैं कोशिश करता हूँ, वरना नोट्स ले लें सेंटर से, नोट्स से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट वही सारी बातें हैं जो नोट्स के अंदर है, एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने लिखा दी है इसके अंदर, ऐड कर दी है। वरना वीडियो चलाएंगे तो वीडियो को पॉज करके भी आप उस नोट्स को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। वीडियो को भी पॉज करके जनाब, वीडियो को रोक कर, वीडियो को पॉज करके आप बड़ा करके आप देख सकते हैं। ये वॉल्यूम होता है, प्रेशर होता है, मास होता है, वगैरह वगैरह जो भी सोचते हैं। कभी कोई चीज़ छोटी सी होगी मैं उसको आपको एक्सप्लेन करके दिखा भी दूंगा, सबको याद है। अब जनाब हम पहले कानून की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है क्या मेरे बेटा? बॉयल्स लॉ। पहले कानून की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम जनाब बॉयल्स लॉ, इसका नाम है। और बॉयल्स लॉ हमारे पास जनाब रिलेशन बयान करता है किसके बीच पे, जैसे कि बताया कि चार क्वांटिटी है। जैसा कि आपको बताया गया कि वी है फोर क्वांटिटीज, हमारे पास चार क्वांटिटी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है। प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है। अमूमी तौर पर जनरली रिलेशन दो चीज़ों के दरमियान पढ़ा जाता है, अमूमी तौर पे जनरली रिलेशन दो चीज़ों के दरमियान पढ़ा जाता है। और बकिया जो दो चीज़ें होती है उनको हम कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं, उनको चेंज नहीं होने देते। उनको कांस्टेंट रखते हैं, उनको फिक्स रखते हैं, उनको चेंज नहीं होने दिया जाता है। दो चीज़ें हमारे पास जनाब क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती है। पहले देखते हैं बॉयल्स लॉ।
बॉयल्स लॉ किसके दरमियान रिलेशन है? बॉयल्स लॉ हमारे पास जनाब रिलेशन होता है, तवज्जो देके गौर से देख ले, बॉयल्स लॉ इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम, एक तो बेटा वॉल्यूम है और दूसरा हमारे पास प्रेशर है। वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान हमारे पास रिलेशन है जबकि टेम्परेचर और मास कॉन्स्टेंट होंगे। टेम्परेचर और मास क्या होंगे मेरे बेटा? टेम्परेचर और मास हमारे पास कॉन्स्टेंट होंगे। अगर टेम्परेचर और मास कॉन्स्टेंट हो तो जो रिलेशन होगा वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान उसका नाम होगा बॉयल्स लॉ। दो तरह के रिलेशन होते हैं, दो तरह के मेरे बेटा रिलेशन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरे का नाम होता है इनवर्स रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरे का नाम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक का नाम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक का नाम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक का नाम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक का नाम जनाब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका जनाब मेरी नाम हमारे पास जो होता है क्या क्या होता है देख ले बेटा। डायरेक्टली में क्या होता है? अगर एक वैल्यू को बढ़ाया जाए तो दूसरी वैल्यू बढ़ जाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक वैल्यू को बढ़ाया जाए तो दूसरी वैल्यू बढ़ जाती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? एक वैल्यू को बढ़ाते हैं दूसरी वैल्यू कम हो जाती है। इनवर्सली में क्या होता है? एक वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरी वैल्यू हमारे पास कम हो जाती है। डेफिनेशन ये कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ एनी गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली टू इट्स प्रेशर, वैल्यू वेरीज इनवर्सली टू इट्स प्रेशर, इसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, जबकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो। जबकि हमारे पास टेम्परेचर क्या हो मेरे बेटा? कॉन्स्टेंट हो। मैथमेटिकली अगर लिखा जाए तो वी अगर वॉल्यूम हो, पी अगर प्रेशर हो, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन पी। याद रखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अपॉन में रेसिप्रोकल में लिखते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अपॉन में रेसिप्रोकल में जनाब लिखा जाता है, अगर दोनों एक ही लाइन में, दोनों न्यूमरेटर में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें होगा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक ऊपर हो एक नीचे हो तो इनवर्सली होगा, एक ऊपर हो एक नीचे हो तो हमारे पास जनाब क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक मिनट बाकी है सर, जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ते हैं। प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, या पी वी बराबर होगा के। पी यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां के उल्टा हो जाएगा, पी यहाँ डिवाइड हो रहा है दूसरी जानी जगह तनाव तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, पी वी इज इक्वल टू के हो जाएगा। यहाँ से हम इस कानून को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। अगर हमारे पास स्टेट तब्दील हो, फर्स्ट करें पहले प्रेशर पी वन है, वॉल्यूम वी वन है, बाद में प्रेशर पी टू हुआ, वॉल्यूम वी टू हुआ, प्रेशर पी टू हुआ, वॉल्यूम वी वन था, पी टू हो गया, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया? वी टू हो गया है। तो वजह देखिए जरा गौर से ध्यान से देख लीजिएगा, पहले प्रेशर पी वन था, वॉल्यूम वी वन था, पी वन वी वन के बराबर होगा, बाद में प्रेशर पी टू हो गया, वॉल्यूम वी टू हो गया, पी टू वी टू के बराबर होगा। लिहाजा हम लिख सकते हैं क्या? पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। P1V1 किसके बराबर होता है? P1V1 is equal to P2V2 के बराबर होता है। यहाँ ये बात वाजे रहे कि सब मेरे बेटा किसके बराबर होगा? चंदा, ये सब बराबर होगा K के। किसके बराबर बेटा? बस ये सब आपके पास जनाब बराबर किसके होगा? ये सारा के सारा आपके पास K के बराबर होगा। तीन स्टेट हो जाती P1V1, P2V2, P3V3, P4V4, जितने भी होंगे, जितनी भी दफा होगा, ये सब के सब किसके बराबर होगा? K के जनाब बराबर होगा। किसी भी लम्हे के साथ हमारी खत्म हो जाएगी, घर पे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मुकम्मल नहीं हुआ ये, इसमें भी और चीजें बाकी है, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसको फर्दर आगे से जरा कंटिन्यू करेंगे ग्राफ।